हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटेक्टर में आपको दो साइड में ये नंबर लिखे हुए मिलेंगे। ये डिग्री रिप्रेजेंट करता है। एक राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा जो कि अंदर साइड में होगा, 0, 10, 20, 30 से लेके 180 तक, और एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा 0, 10, 30, 40 और ये आगे यहाँ तक 180 तक होगा। ठीक है, तो ये दोनों साइडों में 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मेज़र करने के टू वेज़ हैं, या तो आप राइट हैंड से मेज़र करेंगे या फिर लेफ़्ट हैंड से मेज़र करेंगे। अगर आप लेफ़्ट हैंड से मेज़र करते हैं तो आप बाहर साइड वाले जो इसमें डिग्री बने हैं इनको काउंट करेंगे, और अगर आप राइट हैंड साइड से मेज़र करते हैं एंगल को तो अंदर वाले पार्ट में जो डिग्री बने हैं स्केल इनको आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके हम एंगल को कैसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोट्रैक्टर को रखते कैसे। इसको रखने के लिए हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर प्रोट्रैक्टर में एक नीचे ही लाइन ड्रॉ होती है। जब भी हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर ये वाली लाइन को हमें रखना होगा। कैसे रखेंगे, देखिए जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी है, इसके ऊपर हम ये लाइन रखते हैं, ऐसे रखेंगे कि ये लाइन हमें दिखना बंद हो जाए नीचे वाली, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन भी छुप जाए। और कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीच वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, यहाँ वाले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको इस पर ऐसे रख देंगे, और उसके बाद हम इसे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हमें मेज़र करना है। तो सबसे पहले हम जो प्रोटेक्टर है उसको इस लाइन पर हम रखेंगे। तो प्रोटेक्टर को हमने इस लाइन पर रखा, यहाँ पर रखने के बाद अब इसे मेज़र करेंगे। अब यहाँ पर मेज़र रखने के लिए देखिए, हमने यहाँ पर इस लाइन से टच कर दिया और पूरा प्रोटेक्टर यहाँ पर इस लाइन से छुपक गया, ये जो लाइन इसके ऊपर रख गई। अब यहाँ पर मेज़र करिए, अब देखिए ये राइट हैंड साइड पे हमारा हम काउंट कर रहे हैं, तो अंदर वाली साइड से हम काउंट करेंगे ये वाला पार्ट 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहाँ पर देखिए कितने डिग्री का एंगल हुआ, ये 60 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टर में पूरा 70, 80, यहाँ बीच में 90, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 180 तक बनाए, ऐसी बाहर साइड में बनाए। लेकिन हम बाहर साइड वाले का यूज़ तब करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, हम अभी राइट हैंड साइड से मेज़र कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में अंदर वाले पार्ट को हम मेज़र करेंगे। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये हमारा फिगर बना हुआ है, इसको हमें मेज़र करना है। तो सबसे पहले हम कैसे रखेंगे, हमने स्टेप्स रख लिया, कुछ बच्चे ऐसे भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अलग अलग है, तो ये रॉन्ग मेथड है। इसको रखने के लिए प्रॉपरली हम बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेप्स रखेंगे, अब इसके बाद मेज़र करेंगे। ठीक है, अब मेज़र करने के लिए देखिए यहाँ से जीरो से काउंट करेंगे और ये देखेंगे ये लाइन कहाँ पर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 90 पर आ रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, ये इसको मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए पहले हम एंगल को सही से रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपरली रखा है, ये वाली लाइन से ये टच हो गया। अब यहाँ पर देखिए काउंट करते हैं, 90 के इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर 90 के बाहर वाले साइड में काउंट करेंगे हम। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि बच्चे को यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में 60 दिखा है, नीचे वाले में 120 दिखा है, तो कौन सा वाला माना जाएगा, क्योंकि हम राइट हैंड से काउंट कर रहे हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड से ये वाला काउंट करा जाएगा अंदर वाला। ठीक है, तो अंदर वाले पार्ट में हमारा कौन सा हो गया, 120 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 110 के बाद 120 हुआ, यानी 60 वाला नहीं होगा, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके प्रैक्टिस के लिए अपने बुक में दिए गए जो भी एंगल हैं उनको आप काउंट करिए और बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए किस टाइप से हम मेज़र करेंगे। बस खाली हम प्रोटेक्टर में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी मेज़र करना है, कि हम राइट हैंड साइड से मेज़र करेंगे तो हम हमेशा अंदर वाला पार्ट ही
काउंट करेंगे, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तब हम बाहर वाला साइड मेज़र करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, वरना वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।